हेलो गाइस बी के माथ्रो दिस साइड अगेन एक्चुअली दिस वीडियो विल इन्फॉर्म यू वेदर टू डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल और नॉट एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स लाइक हाउ वी कैन से दैट दीज टू डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल एंड हाउ दीज आर नॉट इक्वल राइट तो आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन भी होगा एंड विल हैव फन लेकिन आप चीटिंग मत करना जहाँ मैं बोलूँ वीडियो पॉज करो और वीडियो वहाँ पॉज कर देना ओके चलिए देखते हैं गाइज़ हाँ जी तो देखिए आपके सामने सिक्स डिटर्मिनेंट मैंने बनाए हुए हैं ठीक है डिफरेंट डिफरेंट कलर से लिखे हुए हैं आपको ये बताना है कि इन सिक्स डिटर्मिनेंट में कौन कौन इक्वल है क्या इक्वल बी है क्या बी इक्वल सी है क्या बी इक्वल डी है ठीक है फटाक से आई कैन सी कुछ बच्चों को दिख गया होगा है ना दिखा होगा चलो बहुत अच्छा बात और जिसको नहीं दिखा वो देखो सोचो ठीक है फटाक से देखो जल्दी से शाबाश देखो गाइस डोंट चीट डोंट डू चीटिंग राइट वीडियो को पॉज कीजिए आंसर का वेट कीजिए और अपने मन के अंदर आंसर सोच के रखिए ठीक है ठीके? सोचो जरा आगे मत देखो पहले सोच के अपना आंसर मन में सोच लो उसके बाद आगे देखना ओके विल हैव फन हाँ जी इंतजार हुआ ख़त्म मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा सर बी एंड एफ आर इक्वल हाँ बस बाकी सब ने सोचा होगा और कोई इक्वल नहीं है नहीं अगर आपने सोचा कि सारे इक्वल हैं तो आप करेक्ट थे अगर आपने सोचा कि ओनली बी एंड एफ आर इक्वल तो आप एब्सोल्युटली रॉन्ग थे एक्चुअली इन सब डिटर्मिनेंट में सारे इक्वल हैं ए बी सी e, डी ई एफ ऑल डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल अब आते हैं फंडे पर देखिए इस डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट का कोई रोल नहीं है कोई भी एलिमेंट कहीं पर भी प्लेस्ड हो वी डोंट माइंड हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है एक्सपेंड उसके बाद जो आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट होता है ये तो एक मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट का सिंबल लग गया है इसके ऊपर जो ये वर्टिकल बार है इसका मतलब एक्सपेंड इट राइट right? तो देखिए ए का डिटरमिनेंट फाइव है कैसे निकालते हैं पहले डायगनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई यानी टू की मल्टीप्लाई फोर में एट आएगा फिर माइनस आएगा ही आएगा बीच में फिर नॉन डायगनल की मल्टीप्लाई यानी थ्री और वन की मल्टीप्लाई तो विल गेट थ्री और एट माइनस थ्री फाइव तो आपने देखा सभी के अंदर आंसर फाइव है इट मीन्स ऑल डिटर्मनेंट आर इक्वल राइट इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हाँ जी न्यूमेरिकल आगे आपके सामने इसमें कहा है एक्स बताओ अगर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग ध्यान रखना ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन आ चुकी है क्योंकि वर्टिकल बार लग गए हैं राइट ठीक है और डिटर्मिनेंट कैन नॉट बी कंपेयर्ड डिटर्मिनेंट में कंपैरिजन नहीं होता है अभी अभी आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट डिटर्मिनेंट थे एलिमेंट अंदर अलग अलग थे लेकिन फिर भी वो सारे इक्वल हुए राइट right? तो यहां पर कंपैरिजन नहीं होगा कभी आप बोलो सर कंपेयर करके एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी नो नेवर दिस इज रॉन्ग तो व्हाट वी डू एक्सपेंड लेफ्ट वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड और राइट right वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड उसके बाद नंबर एक तरफ एक्स एक तरफ यू विल गेट योर रिजल्ट राइट थैंक यू आई होप आपको समझ आया होगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू Thank you, thank you so much.